एक दिन समुद्र के किनारे पर टहल रहा था। सुकरात का यह शिष्य एरिस्टोटल जब इस तरह घूम रहा था तो उसने देखा एक विचित्र दृश्य। एक आदमी एक चम्मच हाथ में लिए समुद्र की ओर भागता। समुद्र का जल उस चम्मच में भरता और फिर भाग कर आता और किनारे पर एक गड्ढा था छोटा सा, उसमें वो पानी डालता, फिर समुद्र की ओर भागता, चम्मच में पानी भरता और फिर उस गड्ढे में डालता। अरस्तु कई देर तक यह दृश्य देखता रहा। वो दर्शन शास्त्री था, तर्कवादी था, मनुष्य मन को समझता था और सदाचार को भी समझता था। उसने सोचा ये उचित नहीं होगा कि मैं इसके कार्य में हस्तक्षेप करूं, और वो ये दृश्य देखता रहा। वो व्यक्ति चम्मच से समुद्र का पानी भरता और उस छोटे से गड्ढे में डालता। जब बहुत समय हो गया तो फिर अरस्तु से रहा ना गया और वो उस आदमी के पास गया और उससे पूछता है कि मेरे मित्र तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं चम्मच से समुद्र को खाली करने चाहता हूं। वो कहता है मैं समुद्र का सारा पानी इस छोटे से गड्ढे में डालना चाहता हूं, इसलिए मैं इस चम्मच को लेकर भाग रहा हूं समुद्र की तरफ और फिर गड्ढे की तरफ। अरस्तु को हंसी आती है। वो कहता है ये कैसा पागलपन है, इसमें तो तुमको पूरा जीवन क्या जन्म जन्म भी लग जाए, सदियां भी लग जाए तो भी ये काम होने वाला नहीं। परंतु वो व्यक्ति कहता है कभी तो होगा, और अरस्तु से वो कहता है कि यदि ये पागलपन है तो तुम जो कर रहे हो वो क्या है। अरस्तु पूछता है मैं क्या कर रहा हूं, तो व्यक्ति कहता है तुम भी तो उस अनंत के सागर को, उस परमात्मा सागर को अपने इस छोटे से मस्तिष्क में भरना चाहते हो, इस संसार के सारे रहस्यों को अपनी छोटी सी इस खोपड़ी में जो कि मेरे गड्ढे से भी छोटी है, तो तुम और मैं लगभग एक ही काम कर रहे हैं। तुम भी वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं, उस अनंत परमात्मा को समझने की तुम भी तो चेष्टा कर रहे हो, तुम भी तो इस संसार के सारे रहस्यों को जानने का प्रयत्न कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूं। और तब अरस्तु को एक धक्का लगता है अंदर और पहली बार उसे ये महसूस होता है
कि मेरे सारे प्रयत्न अब तक के उस अनंत परमात्मा को जानने के शायद इसी व्यक्ति की तरह है, और जिसे मैं पागल कह रहा हूं शायद ये एक बहुत महान योगी या दार्शनिक ही होगा। और उसने अपने संस्मरणों में लिखा कि इस घटना के बाद मेरे अंदर जो अहंकार था, मेरे अंदर जो अभिमान था कि मैं सब कुछ जानता हूं या जानने का प्रयत्न कर रहा हूं, वो अहंकार कहीं खो गया। जितना मैंने जाना है बहुत कम है, और जितना जाना जा सकता है उसकी कोई सीमा नहीं। ये मस्तिष्क उस अनंत सागर को संपूर्ण शायद कभी जान भी ना पाए। और हर एक ने कितना जाना है, यथा शक्ति, हर आत्मा ने उसको अपनी शक्ति अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार जाना है। और जब संगम पर स्वयं भगवान आते हैं तो अपने सारे राज वो खोल देता है, और हर आत्मा में इतनी शक्ति भर देता है कि हर आत्मा उस परमात्मा को जान सके, उसमें समा सके, उसमें लीन हो सके। परंतु फिर भी उसमें कई विभाग है। तो आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कितने प्रकार के सितारे देखे? सात या नौ? कितने प्रकार के सितारे देखे? ज्योतिष में नौ ग्रह का गायन है। ज्योतिष शास्त्र कुछ और कहता है, मॉडर्न साइंस स्टार और प्लैनेट अलग अलग कहते हैं, परंतु ग्रहों में, नव ग्रहों में सूरज और चंद्रमा भी एक है, तो राहु और केतु भी बताए हैं, तो बुध, बृहस्पति, मंगल, ये सब इस तरह से नव ग्रह बताए हैं। तो कितने प्रकार के सितारे बाबा ने देखे? कितने? नौ प्रकार के। कौन कौन से, और उनमें से कितने होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए? सब होने चाहिए एक छोड़कर। कौन सा? विचित्र तारामंडल है। इस तारामंडल में सूर्य है, चंद्रमा है, और क्या है? सितारे हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा है, चंद्रमा ब्रह्मा है, और सितारे सब बच्चे हैं। किसी मुरली में बाबा ने कहा था, वो है आसमान के सितारे और तुम हो धरती के सितारे। वो रात में जगमगाते हैं और तुम 24 घंटे हैं। वो प्रकृति की सत्ता है और तुम प्रकृति पति की सत्ता हो। वो टिमटिमाते हैं और तुम जगमगाते हो। तुम निरंतर प्रकाशित हो। तो सबसे पहला सितारा स्नेही आत्माएं, स्नेही सितारे, और वो स्नेही सितारा मैं हूं, ये अभ्यास करना है।
मैं ही वो आत्मा हूँ जो प्रभु प्रेम के लिए प्यासी थी और जो परमात्मा प्रेम में समाई रहती थी, और अब वो समय है फिर से उसी प्रेम में समाने का। ज्ञान सूर्य आया है, मैं ज्ञान सितारा हूँ, स्नेही सितारा हूँ, स्नेह में समा जाना, स्नेही को सब कुछ दे देना। और जब स्नेही को कुछ नहीं दिया जाता है तो बेचैनी होती है। जैसे दो छोटे बच्चे खेल रहे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, लड़की के पास बहुत सारी मिठाइयां हैं और लड़के के पास बहुत सारे कंचे हैं, मार्बल्स। तो लड़की कहती है छोटी सी कि तुम मुझे अपने कंचे दे दो, मैं तुम्हें अपनी मिठाइयां दे दूंगी। वो लड़का कहता है हाँ मुझे मिठाइयां चाहिए, ये मैं ही कहने वाला था। तो वो छोटी सी लड़की उस लड़के को, उसके मित्र को अपनी सारी मिठाइयां दे देती है, और वो लड़का कंचे सारे दे देता है पर एक बचा के रखता है जो सबसे बड़ा वाला है और सबसे अच्छा है। रात होती है, वो छोटी लड़की सो जाती है आराम से। रात होती है परंतु वो लड़का सोचते रहता है इसने भी कोई एक मिठाई तो छिपाई होगी जरूर, और बेचैन रहता है। कहानी यहीं पूरी हो गई। जहां छिपाना है वहां बेचैनी है, जहां देना है, समग्र देना है, इंटीग्रेटेड, वहां शांति है। तो जो प्रेमी आत्माएं हैं और जिन्होंने भगवान से प्रेम किया है, वो सब कुछ उसको दे देगी और उससे कुछ ना छुपाएगी। क्या मैं भी ऐसी प्रेमी आत्मा हूं, प्रेम में मगन, जिसके जीवन में छिपाने जैसा कुछ भी नहीं, जिसका जीवन खुली किताब है, जहां कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं, कोई स्पॉट नहीं। तो सबसे पहला सितारा कौन सा? मैं स्नेही सितारा हूं। स्नेही अर्थात समग्र समर्पण, कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड सरेंडर। दूसरा सहज योगी, सहयोगी। ठीक है, सहयोगी। कौन सा सहयोग देना है, कौन सी मदद करनी है? सबसे पहली मदद या सहयोग स्वयं को करना है। दूसरा उस परमात्मा को, तीसरा इस परिवार को, इस यज्ञ को, संसार की आत्माओं को, प्रकृति को, एडवांस पार्टी की आत्माओं को, समय को, और इन सभी सहयोगों में सबसे बड़ा सहयोग है स्वयं को, स्वयं की गिरी हुई स्थिति से स्वयं को उठाना, स्वयं के गिरे हुए विचारों से स्वयं को ऊंचा उठाना, यह सबसे बड़ा सहयोग है। तो मैं कौन सा सितारा हूं? सहयोगी सितारा हूं। और भगवान जो सहयोग मांग रहा है उसे वो सहयोग देना। और जब संगम होता है तो भगवान कौन सा सहयोग मांगता है? संपूर्ण पवित्रता का। उसे वो आत्माएं बहुत प्रिय है जो बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, निर्मल है, जिनका चित्त देह को कभी स्पर्श न करे, जो देह से निरंतर उपराम रहती है, देह के सुखों की जिन्हें अविद्या है, विकारों के सुखों की, तथा कथित क्षणभंगुर सुखों से जो परे है, ऐसी आत्माएं भगवान को प्रिय है। तो मैं स्नेही आत्मा हूं, स्नेही सितारा हूं। दूसरा
मैं सहयोगी सितारा हूं। तीसरा सहज योगी। योग भी कैसा हो जाए, सहज। जिस तीव्रता से मां अपने बच्चे को याद करती है, उसी तीव्रता से उस परमात्मा मां को याद करना, जिस तीव्रता से लोभी व्यक्ति धन को याद करता है, धन स्नान करता है, वैसे ही परमात्मा प्रेम में स्नान करना, परमात्मा प्रेम में खो जाना, ऐसा योग जो कि निरंतर है, टूटा हुआ नहीं, खंड खंड नहीं, अखंड। तो मैं कौन सा सितारा हूं? सहज योगी। अपने योग के चार्ट को हर दिन बढ़ाते जाना है। जो योग कल किया था उससे आज का अमृत वेला शक्तिशाली, जो अमृत वेला योग किया था उससे नुमा शाम शक्तिशाली, और उसकी तैयारी रात से करनी है। कल की वाणी थी, सोने की विधि क्या करना है, क्या करना है, चेकलिस्ट 1 2 3। बुद्धि को क्लियर करो, बाप के हवाले कर दो, और कहां सो जाओ, बाप की गोद में सो जाओ। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। बुद्धि को क्लियर कर दो, अच्छा बुरा जो कुछ है सब कुछ स्वाहा। और फिर उसी की गोद में सो जाना। तो मैं सहज योगी आत्मा हूं। चौथा सितारा ज्ञान सितारा हूं। ज्ञान सितारा अर्थात जहां निरंतर ज्ञान का चिंतन चल रहा है, जहां बुद्धि किसी गुह्य पॉइंट को, बात को सोच रही है और उस बात की गहराई में जा रही है। जैसे कहानी में बताया, हमारी भी अवस्था उस पागल व्यक्ति की तरह होनी ही चाहिए कि चम्मच से भर भर के पानी ला रहा है, क्योंकि भगवान कह रहा है तुम वो चिड़िया हो जिसने सागर को हप किया है। ज्ञानी सितारा। किसी मुरली में बाबा ने कहा था, अंधेरा तब होता है जब सूरज डूब जाता है। यदि सूरज डूबे ही ना, यदि सूरज निरंतर आकाश में ही रहे तो क्या हो जाएगा, अंधेरा कभी होगा ही नहीं। उसी तरह तुम्हारे जीवन में ज्ञान सूरज, ज्ञान सूर्य कभी डूबे ही ना, तो निरंतर ज्ञान का प्रकाश होगा, निरंतर ज्ञान की रोशनी होगी। और जहां रोशनी है वहां पर गलतियां नहीं, वहां पर ठोकरें नहीं, वहां पर भटकना नहीं, वहां पर गिरना नहीं। जहां रोशनी है वहां पर भय नहीं, क्योंकि अंधकार क्या करता है, भयभीत करता है, डराता है, भटकाता है, ठोकरें लगती है, दिखाई नहीं देता, भ्रम होता है अंधकार में। जो चीजें जैसी नहीं है वैसी दिखाई देती है, ये अंधकार के दोष है। जब मन में अंधकार होगा तब भी ये सब बातें होगी। इसलिए निरंतर मन में ज्ञान का प्रकाश हो, और ज्ञान का प्रकाश आएगा केवल सेवाओं से नहीं, ज्ञान के गहन अध्ययन से, चिंतन से, और निरंतर स्व की चेकिंग से। निरंतर देखते रहना कि कहां गलती हुई, कौन सी त्रुटि रह गई, कौन सा दोष अब भी है। तो
ज्ञान सितारा। उसके बाद कुछ कुछ आत्माएं कौन सा सितारा है? सेवा में उमंग उत्साह का सितारा। सेवा वास्तव में पुरुषार्थ नहीं, अंतर मन में जो तीव्र भावनाएं हैं विश्व कल्याण की उसका परिणाम है। अंतर मन में जो अगाध प्रेम है परमात्मा के लिए उसका ही एक्सपांशन विस्तार है। वो यदि पुरुषार्थ हो रहा है तो उसमें खेचातान होगी, द्वंद होगा, संग्राम होगा। सेवा किस भावना से की जा रही है और क्यों की जा रही है? वास्तव में सेवा अपने आप हो जैसे कोई प्याला छलक रहा है, वो जो पानी गिर रहा है वो सेवा है। कुछ तो अंदर गहराई में हो रहा है और जो बाहर से सेवा दिखाई दे रही है यही वास्तविक सेवा है। तो सेवा का सितारा। उसके बाद मेहनत का फल खाने वाला सितारा। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं। कल की वाणी में, साकार वाणी में बाबा ने कहा था बिना मेहनत के तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगी। जो मेहनत कश है वही दिल कश है, वही आकर्षित करेंगे। ये मार्ग मेहनत का है, परंतु भगवान वो दूसरे ढंग से कहते हैं कि जहां मोहब्बत है वहां मेहनत अनुभव नहीं होगी। वो भी सत्य है, परंतु इस मार्ग में मेहनत तो है, क्योंकि जन्म जन्म के आलस के संस्कार है, जन्म जन्म के अलबेलेपन के, इन अटेंशन के संस्कार है। अचानक अटेंशन के संस्कार आ जाए, अचानक अवेयरनेस के संस्कार आ जाए, इसके लिए पुरुषार्थ लगेगा, अभ्यास लगेगी, प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास, निरंतर होश में रहने का अभ्यास। क्योंकि जब जब हम बेहोश हुए हैं जीवन में गलतियां हुई है। होश अर्थात सोल कॉन्शियसनेस, बेहोश अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, इन दोनों के बीच बहुत गलतियां हुई है। जब जब सोल कॉन्शियसनेस से गिरे बॉडी कॉन्शियसनेस में तभी सारी गलतियां हुई, जब जब बेहोश हो गए मूर्छित हो गए तब गलतियां हुई, जब होश में थे जागरण में थे माइंडफुलनेस में थे अवेयरनेस में थे तब तक शायद कोई गलतियां नहीं हुई। और ऐसे पलों की कोई स्मृतियां भी नहीं है। स्मृतियां ज्यादा उन पलों की रहती है जहां पश्चाताप है और गलतियां है। सुखद पल, आनंद वाले पल यदि थे और अब भी है तो स्मृति मिलाने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि अब भी आनंद में है, परंतु पहले आनंद में थे और अब नहीं है, या पहले दुखी थे और अब आनंद में है। कहीं ना कहीं जब ऐसा ऊपर नीचे होता है तो पास्ट की गलतियों की स्मृति आ रहती है। तो मेहनत, मेहनत तो करनी है, आदत डालनी है मेहनत करने की, और आदत डालनी है प्रेम की भी, वो भी एक मेहनत ही है। पर धीरे धीरे वो मेहनत मेहनत से मुक्त करा देगी। दी एफर्टलेस एफर्ट है ये। उसके बाद में सातवां सितारा, सफलता, सहज सफलता का सितारा। जो हम करें उसमें सफलता हो जाए। जब ये बार बार हो तो समझना कि बुद्धि की लाइन क्लियर है।
तो ऐसे ये सात सितारे बाबा ने कहे, इन्हीं को समान बना देना कि मैं स्नेही सितारा हूं, मैं ज्ञानी सितारा हूं, मैं सहज योगी सितारा हूं, मैं सहयोगी सितारा हूं, मैं सेवा का सितारा हूं, मैं मेहनत करने वाला सितारा हूं, मैं सफलता का सितारा हूं। ये सात और दो है, वो कौन से? ये सब सितारों को रूहानी रोशनी मिल रही है, ये सारे सितारे रूहानी रोशनी में चल रहे हैं। एक है यथा शक्ति सितारा और लास्ट है मास्टर सर्वशक्तिवान सितारा, और सारी की सारी मुरली है यथा शक्ति सितारों की निशानी के ऊपर। तो ऐसे संसार में नौ ग्रह है, और जैसे ग्रह होते हैं ज्योतिषियों ने उसको जोड़ा है, ग्रहों की ऊर्जा को जोड़ा है जन्म से और भाग्य से और प्रभाव से। विज्ञान उसे नहीं मानता, पर ज्योतिष शास्त्र में तो है वो कि किस ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ, वो महत्वपूर्ण है। तो बाबा ने आज वही बात की है कि जो सितारा जितना समीप है वही उतना समीप ला सकेगा, जो सितारे में जितनी प्राप्तियां है, जितनी विशेषता की शक्ति है, उसी शक्ति का अनुभव दूसरी आत्माओं को करा सकेगा। ये दो उदाहरण। तो यथा शक्ति सितारा, इसकी बहुत सारी निशानियां दी है, और हमें ये देखना है हम इन दोनों में से कौन सा सितारा है, यथाशक्ति वाला है या मास्टर सर्वशक्तिवान सितारा है। कितनी निशानियां दी पहले आप बताएंगे, क्या क्या कहा? यथाशक्ति सितारा अर्थात तो धक्का पानी और हवा के आधार से चलने वाला सितारा, और वो कभी रुकते, कभी चलते, कभी चढ़ते, कभी उड़ते। एक है रुकती कला, एक है चलती कला, एक है चढ़ती कला, एक है उड़ती कला, एक है गिरती कला, कई सारी कला है वो। जैसे चंद्रमा की कलाएं हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन की भी बहुत सारी कलाएं हैं। एक है दौड़ती कला, तो नौ निशानियां बताई है बाबा ने किन आत्माओं की, जो यथा शक्ति है। सबसे पहला तो वो दूसरी आत्माओं को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाएगी परमात्मा से। क्यों? क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही उससे दूर है, वो स्वयं ही डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है। हमारा बाबा से जितना कनेक्शन गहरा है उतना ही कनेक्शन हम दूसरों का जोड़ सकते हैं। जितना प्यार हृदय में है उतना ही प्यार दूसरी आत्माओं में भरा जा सकता है। यदि दिल में ही प्यार नहीं तो दूसरी आत्माओं को हम उससे कैसे जोड़े? आत्माएं भगवान से मिल जाए, संसार की विकारी पतित तमो प्रधान आत्माओं के हृदय में भी परमात्मा प्यार जागृत हो जाए, उसी अनुपात में जागृत होगा जितना वो हमारे हृदय में है, उसी अनुपात में जागृत होगा जितना ज्ञान सुनाने वाले के दिल में है। तो वो सितारा जो समीप है, वो सितारा जो डायरेक्ट कनेक्शन में है, वही दूसरी आत्माओं को समीप ला पाएगा और दूसरी आत्माओं का डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ पाएगा। ये है सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान सितारे की निशानी। पर हम चर्चा कर रहे हैं और बाबा ने कहा यथाशक्ति आत्माओं की निशानी क्या है, कि वो दूसरी आत्माओं का कनेक्शन डायरेक्ट नहीं जोड़ सकेगी, उन्हें किसी का सहारा लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि संसार की हर आत्मा के हृदय में हम परमात्मा प्रेम भर दे, जो देख नहीं सकता उसको उसके हृदय में भी, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता,
जो आदिवासी है, जो आतंकवादी है, ऐसी आत्माओं के हृदय में भी ईश्वरीय प्रेम भर जाए, जो विकारों में फंसे हुए हैं, जिनके लिए देह का सुख ही सब कुछ है, जो धन में ही आनंद लेते, ऐसे धनानंद आत्माओं में भी ईश्वरीय प्रेम भर जाए। ये काम शब्दों से नहीं होगा, तरंगों से होगा, मौन से होगा, और हमारे हृदय में परमात्मा प्रेम कितना है उससे होगा। इसके पहले भी कभी कहा था, छोटा बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, भगवान कितना बड़ा है? पिताजी कहते हैं, वो देखो आकाश में एरोप्लेन जा रहा है ना, उतना है। वो कहता है, इतना छोटा? ये तो बहुत ही छोटा है। पिताजी बच्चे को एयरपोर्ट हैंगर, जहां पे हवाई जहाज रखे जाते हैं, वहां ले जाते हैं और एक एरोप्लेन के सामने जाकर कहते हैं, ये है एरोप्लेन। तो वो बच्चा कहता है, इतना बड़ा, फिर इतना छोटा क्यों दिख रहा था? पिताजी कहते, परमात्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच क्लोज यू आर टू गॉड। जो भगवान के बहुत नजदीक है उसके लिए वो बहुत बड़ा है, और जो उससे बहुत दूर है उसके लिए वो बहुत छोटा है, दिखाई भी नहीं देता और चिल्लाना पड़ता है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। परंतु जिसके लिए वो बहुत नजदीक है उसे कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहली निशानी यथाशक्ति आत्माओं की, कि वो आत्माओं का कनेक्शन डायरेक्ट नहीं जोड़ सकती। दूसरी निशानी यथाशक्ति आत्माओं की, आत्माओं में उतनी शक्ति वो नहीं भर सकती जितनी भरनी चाहिए, उन्हें शक्तिशाली नहीं बना सकती, क्योंकि स्वयं ही शक्तिशाली नहीं है। हम दूसरों को उतनी ही शक्तियों से भर सकते हैं जितनी शक्तियां हमने उससे ली है। कोई ऐसी आत्मा हमारे सामने आ जाए और हम सोचे कि ये दुख से मुक्त हो जाए, दर्द से मुक्त हो जाए, किसी के प्रियजनों की मृत्यु हो गई है, रो रहे हैं, क्या उस शोक से हम उन्हें मुक्त कर सकते हैं? दुख की वो घड़ी, हमें याद है एक बार मुंबई के एक युगल डॉक्टर, जो हमारा ही जो अस्पताल है वहां काम करते हैं अब भी, एक दिन उनका जो बेटा था लंदन में डेंटल की एग्जाम दे चुका, अभी फाइनल एग्जाम दे गया, हो गई, और एकदम से घर पे फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और ये भी बताया गया कि वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। ये भी नहीं कि एक्सीडेंट हो गया, सीरियस है, हॉस्पिटल में लेके गए, नहीं, यंग और डेथ हो गई, मर गया। वो दोनों युगल एकदम शॉक में चले गए, कुछ बोल ही नहीं पाए अगले कुछ दिन। ऐसा गहरा सदमा और आघात, उन्हें नहीं पता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ऐसी खबर कि वो मर चुका है, सीरियस है, आ जाओ, ऐसा नहीं, डेथ। तो क्या ऐसी आत्माओं को हम शक्ति भर सकेंगे? ऐसी आत्माओं, और ऐसा समय आएगा, मौत का बाजार गर्म होगा, आत्माएं बहुत दुखी है संसार में, बहुत दर्द में है। हम उन्हें शक्ति उतनी ही भर सकेंगे जितनी हमने अपनी आत्मा में शक्ति भरी। तो यथाशक्ति आत्मा अर्थात उतनी शक्ति नहीं भर पाएंगे जितनी भरनी चाहिए, यह दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी, ऊंची स्थिति नहीं बना पाएगी,
ज्ञान सूर्य ऊंचा है, ज्ञान चंद्रमा ऊंचा है, परंतु ऐसी यथाशक्ति आत्माएं अपनी ऊंची स्थिति नहीं बना पाएगी या नहीं बना पा रही। यदि हम भी नहीं बना पा रहे तो शायद हम कौन है? सेकंड नंबर। ये जो भी बातें हैं इसके अपोजिट में जो कुछ है, विरोध में, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान सितारा, पावरफुल सितारा। चौथी निशानी, उनके बोल, कौन से बोल? मन के और मुख के क्या होंगे? सभी ने मुरली सुनी है ना सुबह? होना तो चाहिए पर हो नहीं रहा है, करना तो चाहिए लेकिन कर नहीं रहे, बनना तो चाहिए पर बन नहीं रहे, निरंतर पश्चाताप का भाव है, कॉन्स्टेंट रिपेंटेंस। मधुबन में आए सेवा के लिए, परंतु जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी नहीं कर पा रहे। मधुबन में आए तपस्या के लिए, परंतु जैसी तपस्या करनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही है। मुख से दिन भर में इतने व्यर्थ बोल निकल रहे हैं। सोचा था मौन का, सोचा था एकांत का, तपस्या का, पर पता नहीं यहां पर कैसा व्यर्थ निकल रहा है मुख से। निरंतर जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, निरंतर रिपेंटेंस है। ये आत्मा, किस आत्मा की निशानी है? ये यथाशक्ति वाली आत्मा की। जैसा अमृत वेला करने का सोचा था वैसा हुआ नहीं, और मास्टर सर्वशक्तिवान सितारे की निशानी, जो सोचा वो हुआ। सोचा था आज शक्तिशाली करेंगे, पावरफुल अमृत वेला, और वैसा ही हुआ। सोचा कि मुख से एक भी व्यर्थ ना निकालेंगे और वैसा ही किया, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा। सोचा एक भी व्यर्थ कर्म ना हो, एक सेकंड भी वेस्ट ना हो दिन भर में। एक सेकंड की कीमत कितनी है? शांतिवन वाली मुरली याद है ना, अभी अभी चली है। एक साल और कुमारों से मुलाकात याद है ना, एक सेकंड अर्थात एक जन्म। अभी नहीं तो कब नहीं, हीरे तुल्य समय है, हीरे तुल्य जीवन है। कल्प की प्रारब्ध अब बन रही है, जितना श्रेष्ठ बनना चाहो बन सकते हो। ये भाग्यवान समय है, ये समय है जब भटकी हुई आत्माओं की प्यास बुझ रही है, परमात्मा प्रेम, परमात्मा अधिकार, परमात्मा खजानों की। समय की रफ्तार तेज है। सुनी ना मुरली, अभी अभी चली है शांतिवन में। टाइम वेस्ट हो गया इसका पश्चाताप, और ब्राह्मण बनने के बाद और तीव्र पुरुषार्थी बनने के बाद छोटी सी गलती का बड़ा पश्चाताप होता है। ये ना हो, ये निशानी है मास्टर सर्वशक्तिवान सितारे की। और यदि हो रहा है तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म मन में, संकल्पों में, भावनाओं में, इमोशंस में लीकेज है। अब भी आसक्ति, अब भी आकर्षण है व्यर्थ के प्रति। अच्छा लगता है सुनना व्यर्थ, अच्छा लगता है कोई सुनाए तो, अच्छा लगता है बैठ के व्यर्थ की बातें करना, बजाय इसके कि अव्यक्त वाणी सुबह चली है, दिन मिला था इस वाणी का चिंतन करने के लिए। मधुबन से भी बाबा ने मुलाकात की, मधुबन के विषय में भी कहा, इस मुरली में क्या कहा? मधुबन में जब आते हो तो क्या बाप क्या कहते हैं? भले पधारे। और मधुबन में आते हो तो कुछ नियम बताए मधुबन के बाबा ने आज। मधुबन में आते हो तो संतुष्ट, मधुबन में आते हो तो राजी, मधुबन में आते हो तो कोई शिकायत नहीं, कमरा ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। मधुबन में आते हो तो संभालो, कितना भाग्य है यहां की तीन पैर पृथ्वी और उधर के महल, कितना भाग्य है इस भूमि पर आना, यस इस भूमि पर आकर सेवा करना, जो ब्रह्मा की कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि है, जो दादियों की तपस्या भूमि है। और यहां आकर यदि हमारा मन छोटी छोटी असुविधाओं में लगा हुआ है तो क्या कहेंगे?
यहां की तीन पैर पृथ्वी वहां के महलों से भी श्रेष्ठ है। भाग्य का चिंतन ज्यादा करना है, असुविधाओं का चिंतन कम। तो चौथी निशानी कौन सी बताई, यथाशक्ति आत्माओं की। जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। उनके बोल कैसे होंगे, पश्चाताप भरे बोल, आंसू होंगे शब्दों में, आंखों में भले ना हो पर उनके शब्द रोएंगे, मन रोएगा क्यों वो नहीं कर पा रहे। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान यदि न मिले तो कैसे तड़पना चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जमीन पर तड़प रहा है, रो रहा है, वैसी तड़पन हो प्यास उसे पाने की। उसी तरह पुरुषार्थ नहीं हो रहा है इसकी भी तड़पन होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है उसके लिए भी तड़पना है, उसके लिए भी उसी से कहना है। जैसे भक्ति मार्ग में उसको कहते हैं कि अब मैंने सब कुछ कर लिया तुझे पाने के लिए, अब तू ही बता मैं क्या करूं, उसी तरह यहां पर भी सब कुछ कर लिया पुरुषार्थ में, फिर भी ये कमजोरी जा नहीं रही, अब क्या करूं। अगर आंसू बहाने हैं तो इस बात के लिए आंसू आने चाहिए, क्यों नहीं जा रही है, क्या करूं, ये बेचैनी उठे मन में। द डिवाइन डिस्कंटेंट, दैवीय संतोष। पांचवी निशानी यथाशक्ति आत्मा होगी। ना वो स्वयं के विघ्न विनाशक होंगे और ना ही दूसरों के विघ्न विनाशक होंगे। और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अर्थात खुद के जीवन के भी विघ्न समाप्त कर लिए, अब दूसरों के जीवन के विघ्न समाप्त करने में लगे हैं। परंतु जो यथाशक्ति है वो खुद ही विघ्नों में घिरे हुए है। आज एक विघ्न आए, कल दूसरा विघ्न आए, उससे निकले फिर चौथा विघ्न आया, बस खुद की अपनी लड़ाई चालू है। सारा जीवन अपने पुरुषार्थ के लिए है, दूसरों का चिंतन अभी हुआ ही नहीं है। महाभारत में दिखाते हैं दुर्योधन अर्थात जो अपने बारे में सोचे, युधिष्ठिर अर्थात जो अपनों के बारे में सोचे, और कृष्ण अर्थात जो सबके बारे में सोचे। दुर्योधन से युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से कृष्ण की यात्रा है। हमारी बुद्धि क्या सोचने में लगी है। किसी एक साकार मुरली में आया था, संसार की आत्माएं अपने ही दुख दर्द में डूबी रहती है। बड़ा अच्छा वाक्य था, संसार की आत्माएं अपने ही दुख दर्द में डूबी रहती है, तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें बाहर निकालना। कभी मधुबन निवासियों से बाबा ने कहा था, मधुबन निवासियों प्रति, तुम्हें अपने अधिकार ज्यादा याद रहते हैं, कर्तव्य कम। हमें ये चाहिए वो चाहिए, अधिकार ज्यादा याद है पर कर्तव्य कम। तो पांचवी निशानी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की, खुद विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बना दे। अभी अभी शांतिवन में मुरली चली, भोपाल ग्रुप से मुलाकात। कौन सी झंडी लहरानी है, मैं विघ्न विनाशक हूं, ये झंडी याद है ना। छठवीं निशानी विघ्न विनाशक आत्माओं की, उनकी जीवन की या पुरुषार्थ की लाइन यथाशक्ति आत्माओं की कैसी होगी, क्लियर नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे फिर पीछे जाएंगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे। एक दिन अमृत वेला बहुत पावरफुल, दूसरे दिन एकदम डाउन, कैंसल कभी कभी। एक दिन सीधा 2 बजे, दूसरे दिन
उठे तो देखा 5 बज गए और पश्चाताप। एक दिन सारा दिन ज्ञान का चिंतन, दूसरे दिन व्यर्थ का चिंतन। एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे। 10 साल से अगर यही चालू है तो कहां थे, जहां थे आज भी वही है। क्योंकि पुरुषार्थ तो बहुत किया पर कदम पीछे भी बढ़ाते गए हर दिन। ब्रह्मचर्य में एक कदम आगे, दूसरे दिन एक कदम पीछे। पवित्रता में एक कदम आ जागे, दूसरे दिन पीछे। और वही है वो, उन लोगों की तरह है वो जो मित्र बहुत सारी जिन्होंने शराब पी ली, रात में गए नौका में बैठे और बहुत आनंदित, और सभी नाव खेने लगे रात भर। और सुबह उठ के देखा, पता नहीं उनको लगा पता नहीं कहां दूर निकल आ गए हम, पर देखा तो कहां थे, वही। एक इंग्लिश ऑथर है जी वेल्स ने एक कहानी लिखी है जिसने एक व्यक्ति दिन रात पढ़ते रहता है समुद्र की यात्राओं के बारे में, और एक दिन उसको लगता है मैं भी जाऊं और अपना सब कुछ बेच के एक छोटी डुग्गी एक नाव बनाता है और बहुत सारा भोजन ले लेता है और निकलता है, और कई मास तक भटकते रहता है। और फिर उसे एकदम एक दिन नजर आती है जमीन, एकदम उत्साहित हो जाता है, पता नहीं नई भाषा होगी, नए लोग होंगे, नई संस्कृति होगी। फिर तट पर उतरता है और देखता है यहां की भाषा तो वही है इंग्लिश, दुखी हो जाता है। सोचा था कहीं दूर जाऊंगा कहीं दूसरी भाषा होगी। फिर और थोड़ा अंदर जाता है तो पहचानी सी चीजें दिखाई देती है, और अंदर जाता है तो उसी का गांव जहां से निकला था बस वहीं पहुंचा है, भटकते भटकते। तो छठवीं निशानी यथा शक्ति आत्माओं की, क्या बताएं, जीवन की लाइन या पुरुषार्थ की लाइन क्लियर नहीं होगी। सातवीं निशानी एकरस शक्तिशाली स्थिति नहीं होगी, कभी समस्या स्वरूप तो कभी समाधान स्वरूप, कभी दूसरों की समस्याएं ठीक कर रहे काउंसिलिंग सेशंस, और तीसरे दिन दूसरे दिन खुद ही समस्याओं में है, ढूंढ रहे कोई मिल जाए अच्छा जिसको पूछूं क्या करना चाहिए। आठवीं निशानी डबल इंजन, डबल इंजन रहता है तो हवा पानी और धक्के की आवश्यकता नहीं। आत्माएं साधन सल्वेशन चाहिए, क्या कहेंगी ऐसी आत्माएं, खुशी नहीं रहती है, योग पावरफुल नहीं, सेवा में उमंग उत्साह नहीं, धारणा पता है परंतु फॉलो करने में कमजोरी है। यह है यथाशक्ति आत्माओं की निशानी है। डबल इंजन लगा नहीं है आठवीं निशानी। और नौवीं निशानी अधिकार, लेने में सब चाहिए, लेने में बड़ा और करने में मैं छोटा हूं, मैं नया हूं, बड़ों का दोष है, समय बहुत पड़ा है, संपन्न कौन बना है, बाबा सबको चांस देते हैं हमें भी चांस मिलना चाहिए। तो अधिकार लेने में जितने आगे हो उसको फॉलो करने में भी उतना ही आगे हो। तो ये 9 निशानियां हैं किसकी, यथा शक्ति आत्माओं की। पहली, कनेक्शन आत्माओं का जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि खुद का ही कनेक्शन नहीं है, खुद ही बाबा को भूले हुए हैं और उसकी सेवा में लगे हैं, कैसे हो पाएगी सेवा, नाम मात्र सेवा होगी, दिखावे वाली ऊपर की सेवा होगी। वास्तविक सेवा अर्थात आत्माओं के हृदय की तार परम से जुड़ जाए। दूसरी निशानी, शक्ति नहीं भर सकेगी। तीसरी निशानी, ऊंची स्थिति नहीं होगी, निरंतर ऊंची स्थिति के पहाड़ से गिरते रहेंगे नीचे, और कभी इधर चोट तो कभी उधर चोट, इमोशनल फ्रैक्चर्स डिसलोकेशंस कुछ ना कुछ होते रहेगा। चौथी निशानी, शब्द बोल कैसे होंगे, पश्चाताप भरे। पांचवी निशानी,
स्वयं के भी विघ्न विनाशक नहीं बन पाए, पहले तो अपने जीवन के विघ्न को स्वयं हटा देने हैं, उसके बाद ही वो प्रक्रिया चालू होगी दूसरों के विघ्न को हटाने की। या कभी कभी साथ साथ भी करते हैं, दूसरों के हटाते हटाते स्वयं के भी हट जाते हैं, वो भी बाबा ने कहा है। उसके बाद में अगली निशानी लाइन क्लियर, अगली निशानी एकरस शक्तिशाली स्थिति, निरंतर शक्तिशाली स्थिति, ऐसे नहीं आज समाधान समस्या स्वरूप। अगली निशानी डबल इंजन, और लास्ट निशानी अधिकार लेने में नंबर वन है तो करने में भी नंबर वन। तो नौ प्रकार के सितारे बताए और यथाशक्ति आत्माओं की नौ निशानियां बताई, मधुबन से मुलाकात की, और एक बहुत अच्छी बात बाबा ने अपने बारे में कही है, वो कौन सी, हद का बाप भी किस में बन जाता है, बेहद का बाप भी किस में बन जाता है, हद में बन जाता है, शरीर समय और संयम इसमें आता है। वो शरीर मेरा है ही नहीं, इसे सीखना है, जैसे बाप उस तन में रहता है हमें भी इस तन में रहना है, जैसे ये मेरा है ही नहीं, अमानत है, उसके लिए है, इतना शरीर से डिटैच्ड। अव्यक्त बाप दादा को हमने देखा है कई बार, हम सब ने डायमंड हॉल में बैठे हैं, कितना डिटैच है अपने ही शरीर से, जिस शरीर में वो प्रवेश कर रहा है उसके शरीर की कितनी कम मूवमेंट्स है, कितना कम, कितना स्थिर, क्योंकि डिटैच है उस देह से। तो ये बातें थी अव्यक्त बाबा की अपने बारे में बताई हुई। तो ऐसी चार बातों की हमने चर्चा की, नौ प्रकार के सितारे, यथाशक्ति आत्माओं की निशानियां, मधुबन में जब आते तब क्या करना है, और बाबा ने अपने बारे में कुछ बताया। ऐसी कैसी, ऐसी कैसी ज्ञान सितारे, स्नेही सितारे, उमंग उत्साह सेवा के सितारे, सहयोगी सितारे, योगी सितारे, सेवा के सितारे, मेहनत करने वाले सितारे, सफलता के सितारे, यथाशक्ति नहीं मास्टर सर्वशक्तिवान सितारों को, दूसरी आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को, पहले मैं करने वाली आत्माओं को, ऐसे कनेक्शन जोड़ने वाली आत्माओं को, दूसरी आत्माओं में बल शक्ति साहस धैर्य भरने वाली आत्माओं को, ऐसे मधुबन में रहते हुए कोई शिकायत नहीं संतुष्ट, मधुबन में रहते हुए राजी, मधुबन में रहते हुए समा कर चलने वाली आत्माओं को, ऐसे इस मधुबन की भूमि का महत्व समझने वाली आत्माओं को, तीन पैर महलों से श्रेष्ठ है, यहाँ का ब्रह्मा भोजन उन देवताओं को नहीं मिलेगा, यहाँ कौन उठाता है, भगवान, वहां प्रकृति, यहाँ किसकी गोद में पलते हो, भगवान के, वहां दासियों की, यहाँ कहां उड़ते हो, तीन लोक में, वहां एक लोक में, वहां दो नेत्री, यहां त्रिनेत्री, यहां त्रिलोकीनाथ, वहां एक लोकनाथ, इस भूमि के महत्व को समझना है, कहां मैं हूं, ऐसी आत्माओं को। और कैसी, पुरुषार्थ की लाइन क्लियर रहने वाली आत्माओं को, ऐसी ऊंची स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसी निरंतर खुशी में रहने वाली संतुष्ट रहने वाली आत्माओं को, ऐसी विघ्न विनाशक आत्माओं को, और दूसरों के भी विघ्न विनाशक करने वाली आत्माओं को, डैश 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 बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। आपका प्यार बाबा
बरसता रहे आपका प्यार बाबा, बरसता रहे हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, सामने आप हो साथ में आप हो, सामने आप हो साथ में आप हो, आपसे हूँ मिलन हम मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हाल है जिंदगानी हो गए हैं सफल अपने हर पल, स्नेह सागर में से समाए मिट गई है संसारी हलचल, यूं ही वरदान कहाँ सिर पर रहे, यूं ही वरदान कहाँ सिर पर रहे, भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। जगमगाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जगिए सारा, रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहे, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। संगम में आकर के मिलना अपने नैनों में हमको समाना, अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे,
हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, सामने आप हो साथ में आप हो, सामने आप हो साथ में आप हो, आप से हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ओम शांति।